धर्म और आध्यात्म का केंद्र श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भगवान श्री महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं के दर्शनों को सुखद और आसान बनाने के उद्देश्य से श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर, रुद्र सागर और आसपास के दर्शनीय स्थलों को उनकी ऐतिहासिक विरासत बरकरार रखते हुए विकसित किया जा रहा है। श्री महाकालेश्वर महाराज परिसर मंदिर विस्तार योजना से मंदिर परिसर का क्षेत्र लगभग 8 गुना बढ़ जाएगा। यातायात प्रबंधन और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समुचित पार्किंग स्थल, पर्यटक सूचना केंद्रों के साथ मंदिर प्रवेश मार्ग को दो भागों में वितरित किया जाएगा। इंदौर की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को हरी फाटक ब्रिज से होते हुए श्री महाकालेश्वर वाटिका में सुविधाएं मिलेंगी, जबकि पुराने शहर की ओर से आने वालों को बेगमबाग रोड, महाराजवाड़ा 1 और महाराजवाड़ा 2 में सुविधाएं प्राप्त होंगी। मंदिर पहुंच के मुख्य मार्गों में से एक हरी फाटक ब्रिज, जिस पर लगातार बढ़ते यातायात को देखते हुए इंदौर से आने वाली भुजा और त्रिवेणी की ओर जाने वाली भुजा का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही रेलवे लाइन पर दो स्थानों पर अंडरपास भी बनाया जाएगा, जो मुख्य पर्वों पर परिवहन सुगम बनाने में सहायक होगा। सड़क विकास योजना के तहत त्रिवेणी संग्रहालय से चारधाम मंदिर एवं हर सिद्धि मंदिर तक के मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर 24 मीटर करते हुए यहां रुद्र सागर की तरफ छायादार पैदल मार्ग विकसित किया जाएगा। इसके अलावा चारधाम मंदिर से नरसिंह घाट को जोड़ने वाली नई सड़क, बड़ा गणेश से छोटा रुद्र सागर पार्किंग तक की रोड का चौड़ीकरण और हर सिद्धि मंदिर की धर्मशाला का आंशिक भाग हटाकर मार्ग का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। महाराजवाड़ा क्रमांक 2 से लगे हुए नूतन स्कूल और उर्दू स्कूल को पास में माधवगंज में स्थानांतरित कर यहां भूमिगत पार्किंग का विकास किया जाएगा, जिससे तल मंजिल पर पर्यटक सूचना केंद्र और हॉकर जोन का विकास किया जाएगा। साथ ही इसमें लगे मंदिर पहुंच मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर तकरीबन 15 मीटर किया जाना भी प्रस्तावित है। बेगमबाग रोड और महाराजवाड़ा क्रमांक 2 के बीच के अव्यवस्थित मकानों को हटाकर रहवासियों को सुनियोजित भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। खाली हुई भूमि पर मंदिर की विभिन्न सुविधाएं और बेगमबाग रोड पर पार्किंग भी विकसित की जाएंगी। श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना के अंतर्गत श्री महाकालेश्वर परिसर और रुद्र सागर के पुनरोद्धार के साथ आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। आगंतुक दर्शनार्थियों के लिए लगभग 350 चार पहिया वाहनों की पार्किंग का विकास किया जा रहा है। दर्शनार्थी पार्किंग स्थल से पैदल मार्ग के माध्यम से सीधे श्री महाकालेश्वर वाटिका तक पहुंचेंगे। श्री महाकालेश्वर वाटिका एक अभूतपूर्व दर्शनीय स्थल होगा, जिसे सनातन धर्म एवं वैदिक स्वरूप के रूप में बनाया जा रहा है। यहाँ भगवान शिव के स्वरूप पर आधारित कमल कुंड, सप्तऋषि मंडल, श्री शिव स्तंभ, मुक्ताकाशी रंगमंच, रुद्र सागर तट विकास और हरित क्षेत्र आदि का विकास किया जाएगा। श्री महाकालेश्वर वाटिका में कई आधुनिक सुविधाएं, जैसे टिकट घर, शौचालय, बैठने योग्य छायादार स्थान, ई रिक्शा पार्किंग की सुविधा भी विकसित होगी। यहाँ से श्रद्धालु पैदल मार्ग के माध्यम से सीधे श्री महाकालेश्वर मार्ग से जुड़ेंगे। श्री महाकालेश्वर मार्ग मंदिर पहुंचने का मुख्य और आकर्षक पैदल एवं ई रिक्शा मार्ग है। इसे शिव के आनंद तांडव स्वरूप पर आधारित 108 स्तंभों, भित्ति चित्र दीवार और छायादार वृक्षों के साथ बनाया जा रहा है। यहाँ लगभग 3-3 मीटर के दो पैदल मार्ग के साथ 6 मीटर चौड़ा ई रिक्शा मार्ग भी विकसित होगा। श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना में रुद्र सागर का गहरीकरण और नैसर्गिक पुनरोद्धार करते हुए शिप्रा नदी से जोड़ा जाएगा, जिसमें पाइप के माध्यम से शिप्रा का जल रुद्र सागर में लाकर जल स्तर नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही अमृत योजना में चल रहे सिवरेज का कार्य पूर्ण होने के बाद वर्षा जल को साफ करके रुद्र सागर में डाला जाएगा। रुद्र सागर तट विकास के अंतर्गत श्री महाकालेश्वर मंदिर मार्ग को और आकर्षक बनाने के लिए यहां वैदिक वृक्षों से युक्त शिव अवतार वाटिका, सीढ़ी नुमा वाटिका, दुकानें
एवं घाट की सुविधाओं का विकास होगा। श्री महाकालेश्वर मार्ग पर अर्थ पथ क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिसमें पूजन सामग्री की दुकानें, क्राफ्ट बाजार, अल्प आहार क्षेत्र और कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ निगरानी हेतु पर्यवेक्षण स्तंभ का भी विकास किया जाएगा। साथ ही रुद्र सागर पर सस्पेंशन ब्रिज की सुविधा और ब्रिज के साथ हॉकर जोन भी विकसित होगा। ब्रिज के नीचे जेटी का निर्माण कर नौका विहार की सुविधा विकसित होगी। रुद्र सागर और श्री महाकालेश्वर मार्ग पर भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों एवं अन्य मुख्य प्रतिमाओं पर लेजर लाइट एंड साउंड शो का संचालन किया जाएगा, जहां पर भगवान श्री महाकाल, शिव महिमा एवं उज्जैनी के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में वर्णन किया जाएगा। श्री महाकालेश्वर मार्ग से श्रद्धालु बिना किसी व्यवधान के आगंतुक सुविधा केंद्र 2 तक आएंगे और सीधे गर्भगृह तक पहुंचकर अपनी उज्जैन यात्रा को अविस्मरणीय बनाएंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर विकास कार्य इस परियोजना का मुख्य हिस्सा है, जिसका विकास कार्य मुख्यतः 6 घटकों के रूप में किया जाएगा। शहनाई द्वार के सामने प्रतीक्षा हॉल का निर्माण, नंदी हॉल का विस्तार एवं महाराज बाड़ा सम्मेलन, रुद्र सागर शिखर दर्शन, विशेष तथा आपातकालीन दर्शन के लिए अतिरिक्त प्रवेश और निर्गम व्यवस्था, आगंतुक सुविधा केंद्र 2 का विकास और नागचंद्रेश्वर मंदिर दर्शन सेतु। योजना के अंतर्गत शहनाई द्वार के सामने की भूमि का अधिग्रहण करके महाकाल वन और प्रतीक्षा हॉल का निर्माण किया जाएगा, जो 2 भागों में विकसित होगा। ऊपरी भाग में पुराने पूजनीय वृक्षों का संरक्षण करते हुए महाकाल वन का विकास किया जाएगा, जिसमें पुलिस नियंत्रण कक्ष, प्रोटोकॉल कार्यालय एवं LED स्क्रीन्स होंगी। श्रद्धालु सीधे महाकाल वन से निचले भाग में बने प्रतीक्षा हॉल में आएंगे। ये हॉल मूलभूत सुविधाओं और ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के साथ श्रद्धालुओं को हर मौसम में सुविधाजनक दर्शन कराने में सहायक होगा। मुख्य पर्वों के दिनों में बढ़ते श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था सुचारू करने के लिए नंदी हॉल का पूर्व दिशा में विस्तार करके इसे भूमिगत मार्ग के माध्यम से सीधे महाराजवाड़ा परिसर से जोड़ा जाएगा। महाराजवाड़ा उज्जैन की एक ऐतिहासिक धरोहर है। योजना के अंतर्गत महाराजवाड़ा का संरक्षण करते हुए इसे हेरिटेज धर्मशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। महाराजवाड़ा से लगे पुलिस क्वार्टर, इमारतें और दुकानों को हटाकर महाराजवाड़ा परिसर का विस्तार होगा, जिसमें विस्थापित दुकानदारों के लिए दुकानें, हाट बाजार, आगंतुकों के लिए प्रवेश स्थल, जूता स्टैंड एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही महाराजवाड़ा भवन के पास से एक मार्ग का विकास होगा, जिससे श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर का विस्तार महाराजवाड़ा परिसर तक हो जाएगा और श्रद्धालु यहां से सीधे मंदिर प्रांगण से जुड़ेंगे। मंदिर परिसर का विस्तार करने के लिए महाकाल ऑफिस, मैटरनिटी हॉस्पिटल, कंट्रोल रूम एवं व्यायाम शाला को हटाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही श्री महाकालेश्वर मंदिर के सामने एक भव्य महाकाल प्रवेश वाटिका का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत मंदिर के सामने की भूमि का अधिग्रहण करके वैदिक स्वरूप पर आधारित वाटिका का विकास किया जा सके। ये क्षेत्र छायादार वृक्षों, बैठने की समुचित व्यवस्था के साथ पूर्ण रूप से वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र होगा। यहाँ बुनियादी सुविधाओं के साथ विस्थापित दुकानों का भी प्रावधान किया जाएगा। महाकाल परिसर से हटाए गए धर्मशाला, अन्न क्षेत्र और प्रवचन हॉल को त्रिवेणी संग्रहालय के समीप प्रस्तावित पार्किंग के पास बनाया जाएगा, जिसमें भक्तों की भोजन की व्यवस्था के लिए अन्न क्षेत्र का विकास, लोगों के ठहरने के लिए धर्मशाला और प्रवचन हॉल आदि का निर्माण किया जाएगा। मंदिर विकास के अन्य घटक में सर्व सुविधा युक्त आगंतुक सुविधा केंद्र 2 का विकास करना प्रस्तावित है, जिसमें क्लॉक रूम, मोबाइल लॉकर्स और शौचालय की सुविधा एक ही भवन में मिलेगी। यहां से श्रद्धालु सीधे आगंतुक सुविधा केंद्र 1 से होते हुए नंदी हॉल तक पहुंचेंगे। श्री महाकाल मंदिर की ऊपरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जो साल में एक बार नाग पंचमी के दिन ही भक्तों के लिए खुलता है।
यहाँ तक पहुँच सुगम करने के लिए नागचंद्रेश्वर मंदिर सेतु का प्रावधान किया है। ये सेतु आसानी से लगाया और खोला जा सकेगा। मंदिर की भव्यता को ध्यान में रखते हुए आकर्षक लाइटिंग इफेक्ट भी लगाए जाएंगे। योजना के अंतर्गत रामघाट पहुंच मार्ग और महाकालेश्वर मार्ग पर फसाड ट्रीटमेंट कर मूल ऐतिहासिक स्वरूप में बदला जाएगा। 24 खंबा माता चौराहा मार्ग से महाराजवाड़ा प्रांगण को जोड़ने वाला ऐतिहासिक महाकाल द्वार को मूल स्वरूप में पुनरोद्धार किया जाएगा। पैदल मार्ग तथा यातायात मार्गों के साथ 24 खंबा माता चौक, रामघाट चौराहा, महाकाल चौराहे एवं हर सिद्धि चौराहा को व्यवस्थित कर इनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पवित्र शिप्रा नदी के रामघाट पर फसाड ट्रीटमेंट कर इसका मूल ऐतिहासिक स्वरूप में संरक्षण करते हुए सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। चिन्हित योजना क्षेत्र में वर्षा जल प्लावन, भूमिगत विद्युतीकरण, सीवर लाइन व ओएफसी नेटवर्क के लिए भूमिगत डक्टिंग एवं विकास योजना अनुसार चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का उद्देश्य श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर का विस्तार एवं विकास करते हुए सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण करना तथा आगंतुकों को अलौकिक अनुभव प्रदान करना है। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में किए जा रहे समस्त विकास कार्य हर स्तर पर प्रदेश का मान बढ़ाएंगे। समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज स्वच्छ दिखाने का हम हैं आपकी आवाज़।